हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th फिजिक्स के लिए एक जो एक्टिविटी है उसकी स्टडी करने वाले हैं। हमारे को इस एक्टिविटी में दिया हुआ है कि एलडीआर के प्रतिरोध पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन करना। तो इस एक्टिविटी के अंदर आपको एक एलडीआर मिलेगा। इस एलडीआर के दो टर्मिनल होंगे, ये एलडीआर के दो टर्मिनल हैं। साथ में आपको एक मल्टीमीटर मिलेगा और उसके साथ में आपको एलडीआर से जो हाइट है उसको मापने के लिए आपको स्केल मिलेगी। ठीक है, हमने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर पर स्केल लगा रखी है। साथ में हमारे को एक प्रकाश का स्रोत मिलेगा। उस प्रकाश के स्रोत के लिए हमने यहाँ पर एक टॉर्च ले रखी है। इस टॉर्च का उपयोग हम प्रकाश के स्रोत के रूप में करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको प्रयोग को कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में ये कॉमन टर्मिनल है। कॉमन टर्मिनल में ये ब्लैक कलर की जो लीड है ये आपको कॉमन टर्मिनल में लगानी है, और जो रेड कलर की लीड है उसको ओम वाली जो टर्मिनल है वहाँ पे लगाना है। अब आप सबसे पहले इसको 200 किलो ओम के ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मल्टीमीटर है उसको 200 किलो ओम पे एडजस्ट करते हैं, और जो प्रकाश का स्रोत है उसको 15 सेंटीमीटर पर ले जाते हैं। अब आप इस मल्टीमीटर की लीड को इस एलडीआर के दोनों सिरों के ऊपर टच करिए। जब आप इसको एलडीआर के सिरों पे टच करते हैं तो ये जो रीडिंग है ये रीडिंग 2.6 किलो ओम के ऊपर आके रुक जाती है। तो अगर मैं 15 सेंटीमीटर पे प्रकाश का स्रोत रखूँगा तो ये 2.6 किलो ओम पे आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर एक प्रेक्षण सारणी बनाऊँगा। इस प्रेक्षण सारणी में मैं सबसे पहले क्रम संख्या लूँगा। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा एलडीआर से बल्ब की दूरी। तो मैंने एलडीआर से बल्ब की दूरी ली थी 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2.6 किलो ओम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूसरी रीडिंग लूँगा। दूसरी रीडिंग के लिए मैं इसको प्रकाश के स्रोत को 30 सेंटीमीटर पे ले जाऊँगा, और फिर एलडीआर से मल्टीमीटर की दोनों टर्मिनल को टच करूँगा। तो दोनों टर्मिनल को टच करने पर आप वहाँ पर मल्टीमीटर में देखिए रीडिंग आ रही है 5.2 किलो ओम। तो मैं वहाँ पर जो सारणी है उसके अंदर लिखूँगा 5.2 किलो ओम। तो यहाँ पर हमारा 30 सेंटीमीटर जब हमने प्रकाश के स्रोत को रखा तो रीडिंग जो है वो 5.2 किलो ओम आ गई। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम प्रकाश के स्रोत को एलडीआर से दूर ले जाते हैं तो इसके प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है, और प्रकाश की तीव्रता घटती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब हम प्रकाश के स्रोत को 30 सेंटीमीटर से ले जाकर 45 सेंटीमीटर पे ले जाते हैं, और पुनः वापस एक बार एलडीआर पे रीडिंग को देखते हैं। तो एलडीआर पे हमारी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 8.7 किलो ओम। तो हम वहाँ पर 30 सेंटीमीटर पे रीडिंग लिख देंगे 8.7 किलो ओम। सॉरी, इसमें 30 की जगह हमको 45 सेंटीमीटर लेना है। तो जैसे हमने रीडिंग को 30 से 45 पे बढ़ाया तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिरोध की वैल्यू है वो 8.7 किलो ओम पे आ जाती है। अब हम चौथी रीडिंग लेंगे। हमारे को इसको प्रकाश के स्रोत को 60 सेंटीमीटर पे ले जाना है। हम 15 15 सेंटीमीटर प्रकाश के स्रोत को बढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए आप एलडीआर की रीडिंग जो है वो और बढ़ जाएगी। 60 सेंटीमीटर पे एलडीआर की रीडिंग आ रही है 12.8 किलो ओम, 12.7 किलो ओम आ रही है रीडिंग। तो आप इसमें प्रतिरोध का मान देखिए 12.7 किलो ओम आता जा रहा है। अब आप लास्ट रीडिंग लेंगे 75 सेंटीमीटर पर। जब आप प्रकाश के स्रोत को 75 पे रखेंगे तो एलडीआर में देखिए और रीडिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो प्रतिरोध का मान और बढ़ गया है, इसकी वैल्यू हो गई है 17.7 किलो ओम। तो प्रतिरोध का मान अराउंड 17.7 किलो ओम बढ़ जाता है। तो इसका हमारे को रिजल्ट ये मिल गया कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है वैसे वैसे एलडीआर का जो प्रतिरोध है वो चेंज होता है, और प्रकाश की तीव्रता घटने पर प्रकाश का तीव्रता में जैसे जैसे हम कमी करेंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान किलो ओम के अंदर बढ़ता जाएगा। थैंक यू।